हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में सफाई कर्मचारी का ट्रेड क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, जो कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं काफ़ी वीडियो करवा चुका हूँ सफाई कर्मचारी से रिलेटेड ट्रेड क्वेश्चंस, और इस वीडियो में मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप सभी को क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगा। टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आप पर आए हैं तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके अपने जीके करंट अफेयर सर्कल को सब्सक्राइब करने के संग संग बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस चैनल से ज्वाइन भी हो सकते हैं, ज्वाइन मेंबरशिप भी हो सकते हैं। अगर ज्वाइन मेंबरशिप लेते हैं तो आपको जो भी पीडीएफ इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह होता है सो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट सूचना रहे तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ज्वाइन मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चंस देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चंस में बोला है कि सैनिटाइज़र का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। इंग्लिश में हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सैनिटाइज़र, यानी अभी फ़िलहाल जो आपका कोरोना के वजह से सैनिटाइज़र को काफ़ी यूज़ किया जा रहा है, जिसके वजह से जो बड़े बड़े कंपनी हैं अपना ब्रांड एम्बेसडर भी घोषित कर दिए हैं, यानी बड़े बड़े सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं जो भी नए नए प्रोडक्ट आते हैं उसके ऊपर। तो उसी तरह यहाँ पर सैनिटाइज़र का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो यहाँ पर इंडिया में यानी ब्रांड एम्बेसडर कौन है सैनिटाइज़र का, यानी इसका कम हो जाएगा करेक्ट आंसर कौन सा है। तो ऑप्शन ए देखिए कि विराट कोहली दिया है, ऑप्शन बी एमएस धोनी, ऑप्शन सी अक्षय कुमार और ऑप्शन डी दिया अमिताभ बच्चन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका विराट कोहली हो जाएगा, जो कि विराट कोहली को यहाँ पर बनाया गया है सैनिटाइज़र का ब्रांड एम्बेसडर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे कि गीला कचरा और फल सब्जियों के छिलके किस डस्टबिन में डाला जाता है। इंग्लिश में देखिए कि वेट गार्बेज एंड फ्रूट वेजिटेबल पील आर इंसर्टेड इन विच डस्टबिन। तो कहने का मतलब है कि गीला कचरा जो होता है यानी वेट और फल सब्जियों के जो छिलके वगैरह होते हैं कौन सा डस्टबिन में रखा जाता है। डस्टबिन के ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाया था, जो कि आप लोग देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सीआरपीएफ रिलेटेड वीडियो प्लेलिस्ट का नाम है, वहाँ पे जाके सफाई कर्मचारी का पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए देखिए हरा डस्टबिन यानी ग्रीन डस्टबिन दिया है, ऑप्शन बी लाल डस्टबिन यानी रेड डस्टबिन, ऑप्शन सी दिया है नीला डस्टबिन यानी ब्लू डस्टबिन और ऑप्शन डी दिया है काला डस्टबिन यानी ब्लैक डस्टबिन दिया है। तो हम लोग किस में रखेंगे गीला कचरा और फल के सब्जियों के छिलके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ग्रीन डस्टबिन यानी हरा डस्टबिन में हम लोग रखेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि काला डस्टबिन का कोड क्या होता है, व्हाट इज़ द कोड ऑफ ब्लैक डस्टबिन। तो ऑप्शन ए देखिए 61L, ऑप्शन बी है 32L, ऑप्शन सी है 51L, ऑप्शन डी है 41L। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 61L इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जितने भी डस्टबिन है उसका एक अलग अलग कोड होता है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाया था, जिसमें जितने भी मतलब एक क्वेश्चन बनाया था जिसमें टोटल जितने भी डस्टबिन होते हैं उसका कोड पूरा बताया था कि ब्लैक का ये होता है, रेड का ये होता है, ब्लू का ये होता है, ऐसा करके पूरा डिटेल में बताया था कि इतना कोड होता है। तो कोड भी आपको पूछे जा सकते एग्ज़ाम में, इसलिए मैं एक कोड यहाँ पर पूछा हूँ, तो आप लोग बाकी जितने भी कलर है उसका कोड जान लेंगे। तो ऑप्शन ए इसका 61L हो जाएगा, ब्लैक डस्टबिन का कोड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि फिनाइल का उपयोग कहाँ किया जाता है। द यूज़ ऑफ फिनाइल इज़ कॉल्ड, मतलब हम लोग फिनाइल को कहाँ यूज़ करते हैं। तो यूजेस ऑफ फिनाइल वेयर, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा बाथरूम में यानी टॉयलेट, ऑप्शन बी है कंपनी में, ऑप्शन सी है स्टेशन, ऑप्शन डी बस में। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि बाथरूम यानी टॉयलेट में हम लोग फिनाइल का बेसिकली यूज़ किया जाता है, करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि फिनोल किस रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, यानी फिनाइल इज़ द क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ विच कलर। मतलब फिनाइल इज़ द क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ विच कलर। ऑप्शन ए सफ़ेद यानी वाइट, ऑप्शन बी काला यानी ब्लैक, ऑप्शन सी लाल यानी रेड, ऑप्शन सी हरा यानी ग्रीन।
तो इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि सफ़ेद यानी वाइट होता है, जो कि फिनोल किस रंग का क्रिस्टलियन ठोस होता है, तो ये सफ़ेद रंग का होता है यानी वाइट कलर का होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला है नेक्स्ट क्वेश्चंस में कि आम तौर पर झाड़ू को बनाने के लिए किसकी पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाया था, टोटल जितने भी झाड़ू वगैरह होते हैं किससे बनते हैं, उसका यूजेस क्या होता है, पूरा मैं डिटेल में इसका वीडियो बनाया हुआ आगे, तो वहाँ से जाके आगे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए कि आम के पत्ते यानी मैंगो लीफ, ऑप्शन बी है बांस की पत्ती व नारियल के पत्ते यानी बम्बू लीफ एंड कोकोनट लीफ, ऑप्शन सी है पीले पीपल के पत्ते और ऑप्शन डी है केले के पत्ते। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि आम तौर पर झाड़ू बनाने के लिए कौन सा पत्ती का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बांस की पत्ती व नारियल के पत्ते हम लोग आम तौर पर यूज़ करते हैं झाड़ू बनाने के लिए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया यानी स्क्रब बनाने के लिए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि झाड़ू किस प्रकार का शब्द है, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड इज़ ब्रूम। तो यहाँ पे ऑप्शन ए देखिए विदेश यानी फॉरन, ऑप्शन बी है देशज, ऑप्शन सी है अमेरिकन यानी अमेरिकन, ऑप्शन डी अंग्रेजी यानी इंग्लिश। तो यहाँ पे जो झाड़ू वगैरह होते हैं हमारे देशज शब्द होते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, झाड़ू को जो नाम दिया गया है देशज शब्द है यानी देश, हमारे देश इंडिया में ही इसे झाड़ू के नाम से जाना जाता है, इसलिए देशज शब्द के नाम से ये शब्द प्रचुर में यहाँ पे बोले जाते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि सेप्टिक टैंक की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। जो सेप्टिक टैंक के ऊपर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाया था जिसका पूरा पिक्चर वगैरह भी उसमें दिखाया था, इमेज दिखाया था कि कितना चौड़ाई होना चाहिए और कितना दूरी में आपको बनाना चाहिए जो कि सेप्टिक टैंक, तो उसी तरह का उसमें से एक क्वेश्चंस मैं बनाया हूँ जैसे सेप्टिक टैंक की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए यानी व्हाट शुड बी द मिनिमम विथ ऑफ सेप्टिक टैंक। तो ऑप्शन ए है 570 मीटर, ऑप्शन बी है 750 मीटर, ऑप्शन सी है 1010 मीटर, ऑप्शन डी है 780 मीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 750 मीटर सेप्टिक टैंक का मिनिमम विथ होना चाहिए यानी चौड़ाई होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि सेप्टिक टैंक की सफाई कितने साल में की जानी चाहिए, अनिवार्य है। द क्लीनिंग ऑफ सेप्टिक टैंक इज़ मैंडेटरी टू बी डन इन हाउ मेनी ईयर, यानी कितने सालों पर हम लोग को सेफ्टी टैंक को साफ करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है 10 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 14 वर्ष, ऑप्शन डी है 1 वर्ष। तो यहाँ पे यानी 10 साल यानी 10 ईयर, 5 ईयर, 14 ईयर एंड 1 ईयर दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 ईयर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो 5 यानी 5 सालों में हम लोग को सेफ्टी टैंक को साफ़ करना चाहिए, जैसे आज के डेट में लगाए तो आज से लेकर 5 साल के बीच में साफ़ करना चाहिए, इसके बीच में भी साफ़ करें तो काफ़ी अच्छा बेटर रहता है, मतलब नॉर्मल सी एक सिचुएशंस में आपको 5 सालों में साफ़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा होता है तो काफ़ी दूषित हो जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि बायो टॉयलेट का आविष्कार किस किस संस्था ने किया था, और द इंग्लिश में द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट वाज अंडरटेकन बाय विच ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब इसमें बोला था हु बिल्ट अ बायो टॉयलेट, इंग्लिश में हो जाएगा हु बिल्ट अ बायो टॉयलेट। तो ऑप्शन ए देखिए एप्पल एंड सैमसंग, ऑप्शन बी DRDO एंड रेलवे, ऑप्शन सी है इसरो एंड ऑप्शन डी है NKCL। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अभी DRDO एंड रेलवे ने हाल ही में बायो टॉयलेट का इन्वेंशन यानी आविष्कार किया था, जो कि जितने भी रेल अभी नए नए रेल कोच में आपको बायो टॉयलेट देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी बायो टॉयलेट होते हैं वो डिस्पोजल उनका गैस द्वारा हो जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। तो यहाँ पे टोटल मैं 10 क्वेश्चंस आपको करवाया हूँ, तो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के संग संग वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं इसे, क्योंकि जितने भी शेयर करें ताकि नए नए वीडियो मैं ला पाऊँ। इसके बाद भी अगर वीडियो आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि और भी सफाई कर्मचारी से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए।
तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया, और चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।